गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है फ्राइडे, तो आज का व्लॉग अभी मैं शूट कर रही हूँ सुबह के टाइम पे। 11 बज चुका है सुबह का, और कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सुबह के टाइम पे मेरा नहाना धोना, कपड़े धोना, ये सब कुछ हो गया था। और उसके बाद हनी आया। हनी को मैंने कल स्कूल भेजा था थर्सडे को, और वो स्कूल से आया, उसके बाद फ़ोन उसी के पास था, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और आज है फ्राइडे, आज भी मैंने उसको स्कूल भेजा है। वो अलग बात है, आज भी उसकी तबीयत ख़राब थी, मतलब आज ठीक थी, कल रात को उसको वॉमिटिंग हुई थी। एक तो कहना नहीं मान रहा है, फील्ड जाने की जिद कर रहा है, मतलब बॉडी को रिलैक्स नहीं कर रहा है, और खाना नहीं खा रहा वो प्रॉपर। और उस वजह से क्या हो रहा है ना, खाना नहीं खा रहा, और धूप शाम के टाइम पे इधर उधर जा रहा है, वो पता नहीं क्या हो जा रहा है, और वो वॉमिटिंग कर दे रहा है। कल रात वॉमिटिंग करने के बाद वो ठीक हो गया था, और सुबह भी ठीक ही था, फीवर नहीं था। तो फिर आज मैंने स्कूल भेज दिया क्योंकि छुट्टियाँ पड़ने वाले हैं। आज 20 तारीख हो गया, कोई कह रहा कल से यहाँ छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं गर्मियों की, अब पता नहीं कब से पड़ेगी, लेकिन छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, इसलिए मैंने कहा 1-2 दिन है भेज देती हूँ। और फीवर आता तो शायद नहीं भेजते, बट फीवर नहीं था इसलिए भेज दिया। और ये मैंने कपड़े धुले हुए थे ना कल के, तो ऐसे ही अभी तक फोल्ड नहीं किए मैंने, और बिस्तर कुछ भी नहीं समेटा है। सुबह के टाइम पे रोटी बनाई, चटनी बनाई, नाश्ता बनाया, और उसके पापा नाश्ता करके ऑफिस जा चुके हैं, गए हुए तो 2 घंटे हो चुके हैं, बट मैं भी लेटी हुई थी क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी मैंने कहा भाई 11 बजने वाला है, उठना है जल्दी से, सारा समेटना है, सफाई करनी है, फिर स्कूल भी जाना है। और मैं कब से, मतलब ऐसा हो रहा कि कब 11 बजेगा, कब 12:15 बजेगा, और मैं अपने बच्चे को लेने जाऊंगी, मतलब टेंशन। स्कूल तो भेजा हुआ है बट बहुत टेंशन हो रही है, और घर पे ज़्यादा वो बीमार हो जाते बच्चे, क्या करते फ़ोन में घुसे रहते हैं, और उससे गर्मी जाती बॉडी में। वहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने स्कूल भेजा। और चलिए फिर फटाफट से अपना काम निपटाते हैं, फिर तैयार भी होना। और आज मैंने मैक्सी डाली हुई है क्योंकि सूट में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा बहुत पहले का है, मैंने ये लिया था 2016 में, लिया था मैंने नैनीताल से, काफ़ी अच्छी है, ब्रांड का है, और काफ़ी अच्छा कपड़ा इसका है, इतना सॉफ्ट, इतना रिलैक्स इसमें फील हो रहा है। तो मैंने कहा रखे रखे क्या करना है, इसको पहन देती हूँ, भले मैं पहले भी पहनती थी बट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सूट में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए फटक 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 से काम करती हूँ। अभी लाइट भी नहीं है, ये चार्ज वाला बल्ब जल रहा है इसलिए आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए फटक से इसको समेटते हैं। इंतज़ार करता रह जाएगा, इस वजह से मैंने इतनी स्पीड से झाड़ू किया, पोछा नहीं मारा, झाड़ू झाड़ू किया, सारे समेटे हैं कपड़े अच्छे से। अभी मैंने ताला लगा दिया है, और अभी हो रहा है 11:40, और 5 मिनट के बाद थोड़ी देर बाहर पे बैठती हूँ। इतनी गर्मी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और फिर जाती हूँ
5 मिनट के बाद निकलती हूँ यहाँ पे से। तो यहाँ पे ना मैंने कूड़ा रखा हुआ है, ये देखो दिखाई दे रहा आपको। हाँ, तो कल मैंने नारियल, कच्चा नारियल लिया था, उसका पानी पिया था और उससे मुझे ना जुकाम हो गया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं हो रहा, मैंने वो पिया और शाम को रात को ना अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे जुकाम जैसे लगी होगी, और बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुआ था, फिर से वैसे हो गया। तो मैंने यहाँ पे ना सटा लगा के रखा है ताकि बंदर अंदर ना आए और थैला लेके ना जाए, है ना, कूड़ा फैलाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी देर बाहर पर रहती हूँ फिर चलती हूँ। खतरनाक और धूप लगी हुई है, ये देखो सामने है हनीपुर स्कूल की बस, दिखाई नहीं दे रही है आपको पेड़ के वहाँ पे से, ये देखो धूप। गुड इवनिंग एवरीवन, लाइट आ गई है, देखो कितनी लकी हूँ मैं, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया आप लोग कितने लकी हो, वैसे ही लाइट आ गई। और अभी हम बाहर भी बैठे थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, भले ही मौसम पूरा ख़राब हो चुका है, सिर्फ तूफान आंधी तूफान हो रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही बिल्कुल भी, और बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको देखो इतना कमज़ोर हो गया आजकल, और भाई प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, क्यों लगती होगी इतनी ज़्यादा गर्मी, ऐसा लग रहा है जैसे सब जगह की गर्मी मुझे ही हो रही होगी, सबकी गर्मी मुझे ही हो रही होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती। अभी तो चलो 6 मंथ है, बट 7, 8 और 9 मंथ में तो ऐसी, 8 और 9 मंथ में तो ऐसी हालत हो जाती है ना गर्मी से, मैं बता नहीं सकती आपको, और बहुत ख़तरनाक वाली गर्मी। तो सिर्फ हवा चल रही है, तूफान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बारिश हो जाती ना मज़ा आ जाता है। अंदर वाले रूम में तो घुटन सी महसूस हो रही है। जब टीवी बंद कर गया, टीवी का चैनल भी ख़राब हो गया, चलो रहने दो, आ गया टीवी भी। क्योंकि सिग्नल जा रहा है ना, बारिश वो हो रही है, हवा हो चल रही है इसलिए बारिश हो रही है। ओह, कैमरा गिर गया था मेरा। और हनी के पापा भी पहुंचने वाले हैं यहाँ, तो अभी कैसी है तबीयत? थोड़ा सा ठीक, थोड़ा सा ठीक है। मम्मी अभी पापा आने वाली है। अच्छा, मेरे छोटा आज तो नहीं आने वाले, कहाँ आने वाले पापा? तो क्यों, तुझे ऐसे क्यों लगा? ये देखो इसको अभी भी ऐसे खांसी आ रही है, क्यों हो रही है, क्यों 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 तुझे ऐसा क्यों लगा? अब तुमने जैसे बोला पापा आ जा रहे हैं, तब मेरे को विश्वास हो गया और पापा सच्ची में यहाँ आने वाले। अच्छा, इसको लगा कि फिर से ड्यूटी लग गई शायद पापा की, क्योंकि ये दिन में पूछा था मम्मी पापा ड्यूटी गए हैं, मैंने कहा हाँ मुझे लगा ऑफिस के लिए बोला, अदरवाइज ऑफिस के लिए ऑफिस ही बोलता है कि ऑफिस गए हैं, तो उसने कहा ड्यूटी गए हैं, मैंने कहा हाँ, उसको लगा पापा आज ड्यूटी गए हैं तो पापा फिर से ड्यूटी चले गए, ऐसा लगा है ना। और लाइट चली गई थी बहुत आगे, और अभी मेरा फ़ोन ना बैटरी भी डाउन होने वाली है, तो थोड़ी देर करती हूँ मैं चार्ज, ठीक है, फ़ोन थोड़ी देर चार्ज कर देते हैं क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं है और लाइट का भरोसा भी नहीं है। नहीं, ये देखो खाना नहीं खा रहा है और इसको ले चाहिए जिससे इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, डॉक्टर ने सख्त मना किया है। क्यों नहीं होती है? डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है। बस चिप्स नहीं देना, आके स्कूल से आके 2 पैकेट चिप्स ऑलरेडी खा चुका है, खाना खाने के लिए मना कर रहा है और बोलो तो फिर रोना आ जा रहा है, तो इसका तो चलता रहेगा। तो चलते हैं, इसको चार्ज पे लगा देते हैं थोड़ी देर, मौसम का और लाइट का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अभी लाइट आ गई, अंदर वाले रूम में लाइट खुली है। ये देखो भयंकर आंधी तूफान हो रही है, बहुत ही खतरनाक हो रही है। देखो ये देखो आई थिंक कहीं बारिश हो रही शायद, और यहाँ आंधी तूफान हो रहा बहुत ही खतरनाक। टी शर्ट डाली हुई थी, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर छत में चले जाएंगे, बट 6:30 होने वाला है, अंधेरा हो गया है, इतने खतरनाक आंधी तूफान हो रहा है, बिजली भी कड़क रही है, और छत में जाना अभी इम्पॉसिबल है, बट अभी लाइट आ गई है, थोड़ी देर उस टाइम पर लाइट आई, मैंने थोड़ा चार्ज किया था फिर लाइट चली गई थी, बट फिर से लाइट आ रही है। आपको देखो आसमान में कितना
इतनी खतरनाक आवाज़ आ रही है, डर लग रही है मुझे इन आवाज़ों से। और बिजली कड़क के आवाज़ आती है ना, मुझे बहुत डर लगती है। और लाइट भी अगर एक बार ख़राब हो गई तो आना मुश्किल है, तो इससे अच्छा मैं सोची वीडियो भी यहीं पर एंड करती हूँ, फ़ोन चार्ज पर लगा देती हूँ। तो चलिए फिर अपना। हाँ बहुत खतरनाक वाली आवाज़ आती है। तो चलिए ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखिएगा।